कभी KTM ड्यूक 390 के टक्कर की नेकेड स्पोर्ट बाइक क्या इंडियन मार्केट में आएगी भी या नहीं आएगी यार, कब तक वेट किया जाएगा। अभी अगर आप देखें तो KTM ड्यूक 390 के टक्कर की एक्चुअल में कोई नेकेड स्पोर्ट बाइक इंडियन मार्केट में नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि BMW G310R जो आती है वो भाई ड्यूक 392 को टक्कर दे सके, तो आप लोग यहाँ पे गलत फहमी में है, क्योंकि वो इतना अच्छा बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती कि वो ड्यूक 392 को बेट कर सके। लेकिन एक बाइक ज़रूर है जो ड्यूक 392 को पूरा पूरा टक्कर दे सकती है, और वह दोस्तों यामा की MT-03। लेकिन वो इंडियन मार्केट में अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। अब भैया ये कब तक लॉन्च हो सकती है, बाइक का क्या प्राइस होने वाला है, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं अपकमिंग यामाहा MT-03 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के लुक प्लस डिजाइन के बारे में। ऑब्वियसली बात है MT-03 का जो डिजाइन है वो काफी बेहतर है, और मुझे लगता है दोस्तों नेकेड स्पोर्ट सेगमेंट में इस बाइक का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन दोस्तों MT-03 जो है वो इंडियन मार्केट में आए तब की बात है ना, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे लगता है कि MT-03 अगर इंडियन मार्केट में आएगी तो ये एक ऐसी बाइक है जो ड्यूक 390 को काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाली है। और ऑब्वियसली बात है दोस्तों एक यामाहा की बाइक रहेगी तो लोग इसे पसंद ज़रूर करने वाले हैं। बाइक का डिज़ाइन आप लोग देख पा रहे हैं कि बाइक में आपको बहुत बेहतरीन सा डिज़ाइन देखने को मिलता है। अगर इसके फ्रंट लुक के बारे में बात कर लें, फ्रंट में आपको छोटी छोटी LED DRL लाइट देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मेन लाइट में आपको बाइक में सिंगल LED प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलता है, जिससे बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा निकल के आता है, प्लस लाइट की विजिबिलिटी भी इसमें बहुत बेहतर है। बात करें सस्पेंशन के बारे में तो फ्रंट में आपको बाइक में अपसाइड डाउन यानी कि HD फॉग सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम सस्पेंशन यामा की तरफ से यूज़ किए गए हैं। ब्रेकिंग में दोस्तों इस बाइक में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और प्लेट साइज फ्रंट में इसमें 292-298 mm के आसपास की जो प्लेट है वो यूज़ की गई है। एंड टायर साइज बाइक में आपको फ्रंट में 110-70 के आसपास के जो टायर साइज है वो फ्रंट में देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं अब इसके सबसे इंपॉर्टेंट इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, और यही इस बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इंजन टाइप में इस बाइक में आपको 2-सिलेंडर लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक DOHC 4-वॉल्व जो इंजन है आपको बाइक में देखने को मिलता है। यही बाइक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको नंबर ऑफ 2-सिलेंडर देखने को मिलता है। सो 2-सिलेंडर बाइक होने की वजह से दोस्तों बाइक की जो टॉप स्पीड है वो आपको बहुत बेहतर देखने को मिलेगी। इस बाइक में 321cc का इंजन है। पावर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम पावर अराउंड 42 के आसपास का PS पावर देखने को मिलता है, एंड 29.6 के आसपास का जो न्यूटन मीटर टॉर्क है वो आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। अब आप देख रहे हैं कि ड्यूक 390 में 43.5 का PS पावर है एंड इसमें 42 का PS पावर है, लेकिन इस बाइक में आप लोगों को ट्विन यानी कि डुअल सिलेंडर इंजन मिलता है, तो ये ड्यूक 390 को भाई बहुत मुझे लगता है कि आसानी से बेट कर सकती है टॉप एंड स्पीड में। कूलिंग सिस्टम में इस बाइक में आपको लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा। फ्यूल सिस्टम में बाइक में FI देखने को मिलता है। इस बाइक में आपको नंबर ऑफ 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं। बाइक में स्लीपर क्लच देखने को मिलता है, प्लस बाइक का एक क्लास है कि बाइक में आपको बहुत ही स्मूथ वाला किक शिफ्टर देखने को मिलता है। ये नहीं KTM ड्यूक 390 वाला किक शिफ्टर जो कि कभी काम करता और कभी काम नहीं करता, मेरी ड्यूक 390 का कभी काम नहीं किया अच्छे से, तो ये आपको यामा की तरफ से बहुत प्रीमियम किक शिफ्टर देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों बाइक का इंजन स्पेसिफिकेशन। जैसे आप लोगों ने देखा कि बाइक में आपको बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा सा इंजन जो है वो देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात कर लें इस बाइक के माइलेज के बारे में, जो कि जापानीज टेक्नोलॉजी में ही पॉसिबल है कि भैया बाइक में आपको पावर के साथ साथ माइलेज भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ ये बाइक ऑलमोस्ट कम से कम आपको 32-35 के आसपास का माइलेज निकाल कर देगी, तो ये बाइक का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भाई, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतनी पावर 2-सिलेंडर के साथ में इतना माइलेज देना एक बड़ी बात होती है। रियर में दोस्तों इस बाइक में टेल लाइट में LED टेल लाइट देखने को मिलती है। रियर में 140-70 के टायर मिलते हैं। रियर में इस बाइक में 220mm की जो प्लेट है वो यूज़ की गई है। प्लस दोस्तों आपको बताना चाहूंगा बाइक में रियर का जो लुक मिलता है वो काफी ज्यादा शार्प देखने को मिलता है। बात करें इसके स्पीडोमीटर के बारे में, स्पीडोमीटर में इस बाइक में आप लोगों को फुली डिजिटल मीटर देखने को मिलता है। नो डाउट बाइक का जो स्पीडोमीटर है वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा आपको देखने को मिल रहा है, और ऑब्वियसली बात है दोस्तों इंडियन मार्केट में अगर ये बाइक आ गई तो भाई तहलका मचाने वाली है। स्पीडोमीटर में स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, क्लॉक, ABS लाइट, फ्यूल गेज, सर्विस रिमाइंडर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, डिस्टेंस टू MT इंडिकेटर, मोबाइल कनेक्टिविटी, सारे फीचर जो है आपको यहाँ पे अपनी MT-03 में देखने को मिलते हैं। बात कर ले दोस्तों इस बाइक के प्राइस के बारे में कि इंडियन मार्केट में आएगी तो क्या प्राइस होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो प्राइस रहेगा वो बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा,
340,000 340,000 रुपए के आसपास की एक्स रूम प्राइस जाएगी। मतलब अगर ये 400,000 रुपए भी अगर ऑन रोड जाती है तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी रहेगी, क्योंकि यामा की टेक्नोलॉजी प्लस यहाँ पे आपको बाइक में सबसे इंपॉर्टेंट ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिल रहा है। लॉन्च डेट के बारे में बात कर ले दोस्तों, कहा जा रहा है कि आने वाले 2023 में, जी हाँ, जून मंथ में इस बाइक को इंडियन मार्केट में लाया जा सकता है। आप कौन कौन इस बाइक का वेट कर रहा भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो उम्मीद करते हैं एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी यामा की MT-03 में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।